सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलव दुर्विदग्धम् ब्रह्मापि नरन्नरञ्जयति। अरे मज़ा नहीं आया, आप अच्छे से बोल नहीं रहे, खुल नहीं रहे लगता है। असल में व्याकरण सुनते सुनते आपका कान तो खुला था, मुंह तो खुला नहीं। एक बार मुंह खोलना, बोले अज्ञः सुखम् आराध्यः। अब कुछ खुला है, सुखतरम् आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलव दुर्विदग्धम् ब्रह्मापि नरञ्जयति। हाँ अब देखना, इन्होंने एक बात बताई, भरतीहर ने एक बात बताया और आपको भी सिखा रहे हैं, हमें भी सिखा रहे हैं, सबको कहा अज्ञः न ज्ञः, ज्ञः माने ज्ञानी, ज्ञः माने और न ज्ञः इति अज्ञः, जो ज्ञान नहीं है, जो ज्ञान नहीं है, मतलब जो अज्ञानी है, और जो सर्वम ज्ञः, जो सर्वम ज्ञः वो सर्वज्ञ है। बोलो हाँ, ज्ञा माने जानने वाला, बोलते कि नहीं बे, ज्ञा माने और सर्वम जानने वाला, हाँ ठीक है, और ना जानने वाला अज्ञ है, अल्प जानने वाला अल्पज्ञ है। वाह क्या बात है, अब पकड़ लिया आपने, कहा अज्ञ, अविशेष जानने वाला विशेषज्ञ है, एकदम राइट जगह में आ गया, राइट जगह में आ गए। न ज्ञः इति अज्ञः कहा, नीति शतक लिखते समय इन्होंने बात कही कि अज्ञः सुखम् आराध्यः, जो अज्ञ है ना, कुछ नहीं जानता है, ज्ञान नहीं है, जो ज्ञान नहीं है, जिसको ज्ञानी नहीं है, जो विद्वान नहीं है, जो जानकार नहीं है, जो समझदार नहीं है, उसको सुखम बड़ी सुखपूर्वक बड़ी आसानी से आराध्य आराधित किया जा सकता है, समझाया जा सकता है, बुझाया जा सकता है, बताया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है। बोलो हाँ, लाइन लिख करके अपने कमरे में लिख लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बता रहे हैं। भरतहरि ने कहा अज्ञः, आप देखिए कोई आदमी किसी विषय का जानकार ना हो, रामकृष्ण जी समझिएगा, मान लीजिए आप किसी को वो बात बता रहे हैं कि भाई बीमा कैसे किया जाए, कोई आदमी कुछ भी नहीं जानता है, बड़े ध्यान से सुनेगा, बड़े ध्यान से सुनेगा, उसको आप बड़े ध्यान से समझा ले जाएंगे। अज्ञः कुछ ना जानता हो तो सुखम बड़े सुखपूर्वक आराध्यः, उसको बड़े आसानी से आप बड़े सुखमय तरीके से, बोलो हाँ या ना, कुछ ना जानता हो तो बड़े ध्यान से सुनेगा भी, समझेगा भी और सीखेगा भी। भरतहरि की लाइन है, सुन लेना, अज्ञः सुखम् आराध्यः और सुखतरम् आराध्यते, और भी सुखपूर्वक और भी अच्छे से और भी बढ़िया से आप उसको आराध्यते समझा सकते हैं, बुझा सकते हैं, बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, यदि वो विशेषज्ञः, यदि उसके बारे में विशेष रूप से जानता है, कुछ जानता है, कुछ पढ़ा है विशिष्ट तरीके से, जैसे आप बीए करके हमारे पास आए हैं, आप विशेषज्ञ हैं, विशेषज्ञ को पढ़ाना सुखतरम, अज्ञ को बताना सुखम और विशेषज्ञ को बताना सुखतरम, कौन वाला ज्यादा अच्छा है? अज्ञ को पढ़ाना आसान है कि विशेषज्ञ को? विशेषज्ञ को। यदि वो आपकी विधा के बारे में कुछ जानता भी है ना पहले से, तो उसको पढ़ाना और आसान है, इसलिए हमारा पढ़ाना और आसान है, चूंकि आप बीए हैं, ऑलरेडी बीएड हैं, आप संस्कृत से जुड़े हुए हैं, आप विशेषज्ञ हैं, विशेषज्ञ को पढ़ाना सुखतरम और आसान है, विशेषज्ञ को सुखतरम आराध्यते। अब आपने देखा, यदि आपने पहले से नहीं शतक पढ़ा होगा ना, तो आपको पढ़ना और भी आसान है, आपको समझाना और आसान है, और या तो एकदम ही ना पढ़े हों, अज्ञ हों, तो भी आराम से आपको समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है। लाइनें दोनों लिखना, अज्ञः सुखम् आराध्यः, ना जाने, कुछ भी ना जाने, उनको सुखपूर्वक आराध्य का मतलब आराधना करना नहीं, आराधना इसका शाब्दिक अर्थ है और इसका लाक्षणिक अर्थ बता रहे हैं, अर्थात आपको समाहित करना, जैसे हम आपको कुछ बताएं और आप समझ जाएं और समझ करके आपको लगे कि हाँ समझ गए, ये आराधित होना है, इसलिए देवताओं की आराधना की जाती है। आराधना का मतलब प्रसन्न करना,
यदि हम कोई बात बता रहे हैं, आप प्रसन्न हो गए, आप हमारी बात से एग्री लगते हैं कि हाँ भाई हम सहमत हैं, हमको समझ में आ गया, हमें जो आपने बताया सहमत हैं हम, बढ़िया है, पढ़ लिया, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये है आराध्य, यही है आराध्य थे, बोले हाँ या ना, आप पढ़ाएं तो हाँ लेकिन समझ में नहीं आवा, बोलो हाँ या ना, तब आराध्य नहीं होगा। बोले अज्ञ है, बड़ी आसानी से आप उसको बता सकते हैं, समझा सकते हैं, समाहित कर सकते हैं, उसको प्रसन्न कर सकते हैं, उसको आप सहमत कर सकते हैं पता करके कि हाँ हाँ मैं समझ गया, जी समझ गया, जी हाँ बन गया, हाँ हाँ समझ लिया। और विशेषज्ञ हैं तो उसको सुखतरम आराध्य थे, उसको और आसानी से आप समझा सकते हैं। अब नीचे की लाइन में आना, बोले ज्ञान लव दुर्विदग्धम, ज्ञान लव दुर्विदग्धम, ज्ञान लव दुर्विदग्धम। अब इन्होंने बताया कि लेकिन थोड़ा मोड़ा ज्ञान हो, ज्ञान लव से छोटा कुछ ज्ञान भी हो, जिसको अधजल गगरी छलकत जाए वाली बात कहते हैं, कुछ ज्ञान हो पर पूरा ज्ञान ना हो, कुछ जानता हो और कुछ ना जानता हो, ऐसा ज्ञान लव से जला हुआ, ज्ञान लव से दुर्विदग्ध जला हुआ या गर्वीला या अहंकारी जो कुछ जानता है, अरे आप क्या हमको बताएंगे, अरे आपको यही नहीं पता है, अरे आपको यही नहीं पता है, अरे ये नहीं होता ये होता है, कुछ पता हो, कुछ पता हो, विशेषज्ञ ना हो, ना तो अज्ञ हो ना विशेषज्ञ हो, ना अज्ञ हो, अज्ञ को पढ़ाना आसान है, विशेषज्ञ को पढ़ाना और भी आसान है, पर ज्ञान लव दुर्विदग्ध को तो भर्तृहरि ने कहा कि हम नहीं ब्रह्मा अपि, ब्रह्मा अपि, कैठ मुंह होते हैं ब्रह्मा के, चतुरानन है। बोले एक मुख वाले की क्या औकात है, चार मुख वाले भी उसको नहीं समझा सकते हैं। ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मा अपि, ऐसे ज्ञान लव दुर्विदग्धम नरम, ज्ञान लव दुर्विदग्धम नरम, ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान के लव से दुर्विदग्ध है, गर्वीला है, घमंडी है, अभिमानी है, उसको ब्रह्मा भी न रंजयति, उसको ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते, उसको ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते, उसको ब्रह्मा भी अपनी बात नहीं मनवा सकते, वो मानने को तैयार ही नहीं होगा। बहुत बार आपने देखा होगा आपकी कोई सहेली या आपका कोई सहेला, आप कुछ बताते रहे, नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, अरे ऐसा नहीं ऐसा है, अरे तुम समझते नहीं, ऐसा नहीं ऐसा है, आपकी हर बात को काटता रहेगा। ध्यान रखना, लाइन लिख लेना, ज्ञान लव दुर्विदग्धम, ज्ञान लव ब्रह्मा पिनरं नरंजयते, ब्रह्मा पिनरं, बताना वो चाहते हैं कि रंच ज्ञान हो जिसको, जो मूढ़ हो, जो मूर्ख हो, गर्वीला हो, घमंडी हो, कुछ जानता हो, ज्ञान लव से जला हुआ हो, अधूरा ज्ञान हो जिसको, उसको ब्रह्मा अपि नरम न रंजयति, ऐसे व्यक्ति को तो ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते, भला आप क्यों समझाएंगे। भर्तृहरि ये बताना चाहते हैं कि भाई साहब ऐसे मूर्खों को, ऐसे घमंडियों को, ऐसे गर्वीलों को, ऐसे बेवकूफ़ों को समझाने में अपना समय मत इन्वेस्ट करना, नहीं तो वो तो मूर्ख ही है, उससे बड़ा मूर्ख वो है जो उसको समझा रहा है। बोलो हाँ या ना। एक तो वो है जो समझ नहीं रहा है, समझने को तैयार नहीं है, वो हर बात को, आपकी बात को का, देखिए बात काटना नहीं, बात को ना, जैसे वो हर बात को ना तर्क कुतर्क बेतर्क ऐसे तर्कों से, और आप उससे बहस किए जा रहे हैं, बहस किए जा रहे हैं, बहस किए जा रहे हैं, बोले ये भी मूर्खता का नंबर है, ये भी मूर्ख ही करते हैं। जो मूर्खों से उलझें उनको भी भर्तृहरि ने कहा वो ओह मूर्ख से ज़्यादा बड़ा मूर्ख है। बोलो हाँ या ना। अब कोई आदमी किसी चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है, बात बात में बेवजह बहस कर रहा है, धीरे से हाथ जोड़ के निकल लो, क्योंकि वो ज्ञान लव दुर्विदग्ध है, उसको ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते, तुम्हारे कैठ मुँह है। नहीं ठीक है ठीक है, चार मुख होगा भी तो भी नहीं समझा सकते, क्योंकि ब्रह्मा आप ही तम नरम न रंजे, कर लेंगे इसको पक्का। अर्थात यदि कोई सहेली या सहेला ऐसा है जो आपकी बात से सहमत नहीं हो पा रहा है, या आपकी हर बात को काट रहा है, या आपसे उलझ रहा है, बेवजह बहस कर रहा है, बेवजह बात का बतंगड़ बना रहा है, तो भर्तृहरि क्या सिखा रहे हैं, भर्तृहरि ने क्या सिखाया, वो ये सिखाए कि मूर्ख मत बनो, निकल लो, बोलो हाँ भैया तुम्हार बात सही है, हमाइन गलत हैं,
बात वहां से बंद हो जाएगी ना, बात खत्म हो जाएगी। क्यों अपना समय निवेश कर रहे हैं, क्यों उसमें समय अपना व्यर्थ कर रहे हैं? अपना समय उस कार्य में व्यर्थ मत करो जिस कार्य का कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। बोले उनको तो ब्रह्मा अपितम नरम नरंजयति ज्ञान लव दुर्विदग्धम। इसीलिए आपने देखा होगा हमारे अपने जीवन में, मैंने इस लाइन को बहुत पढ़ा है और इस लाइन को बहुत इस्तेमाल करता हूँ। जहाँ मुझे समझ में आया ना कि आदमी पढ़ने के लिए नहीं आया है, हमको पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उससे हमसे बनता नहीं, हमसे नहीं बनता है। और वो यही तो सुनना चाहता है कि आप बोलो अरे फिर हम सर्वभूषण से पूछे, उनसे बनवा नहीं किया गुरु, पहुंचा फिर नहीं बना उसे। अब तुमसे सर्वभूषण का महास करें 5 घंटा, इससे अच्छा भैया ब्रह्मा पिनरम नरंजयति। और जानते हैं हम अपने तकिया के नीचे ये वाला श्लोक लिख के रखते हैं, अब बीच बीच में देखते रहते हैं क्या ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मा पिनरम नरंजयति अज्ञा सुखमाराध्या अज्ञा सुखमारा सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरंजयति। आर्य छंद है, आर्य छंद में ना मात्राएं गिनी जाती हैं। क्या गिनी जाती? बाकी वर्णिक छंदों में वर्ण गिने जाते हैं, मात्रिक छंदों में मात्राएं गिनी जाती हैं। मात्राएं छंदों में होती हैं ह्रस्व और दीर्घ, यानी लघु और गुरु, लघु और, तो लघु की एक मात्रा और गुरु की दो मात्राएं गिनी जाती हैं। किसी दिन मैं आर्य बताऊंगा तो मात्रा गिनना बताऊंगा आपको, है जैसे ह्रस्व वर्ण की एक मात्रा जिसको आप लघु कहेंगे छंद शास्त्र में, और जो दीर्घ वर्ण आप कहते हैं व्याकरण शास्त्र में उसको छंद शास्त्र में गुरु वर्ण कहते हैं, गुरु, और गुरु की दो मात्राएं। इस प्रकार से मात्रिक छंदों में से आर्य छंद इसमें है, ये आपको ध्यान रखना है। आपने बाकी पढ़ी लिया अज्ञा सुखम आराध्या सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ, 3 श्लोक आज आपने पढ़ लिए। और कोई भी सवाल इससे बन जाए कि ज्ञान लव दुर्विदग्ध को कौन प्रसन्न नहीं कर सकता, तो ब्रह्मा भी प्रसन्न उनको नहीं कर सकते। ब्रह्मा अपि लिखा है, ब्रह्मा अपि क्या लिखा है, ब्रह्मा अपि। और सुखतरम बड़े सुखपूर्वक समझाया जा सकता है या मनाया जा सकता है या प्रसन्न किया जा सकता है अज्ञ को, और उससे भी ज़्यादा आसानी से समझाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है, प्रसन्न किया जा सकता है, मनवाया जा सकता है, सहमत किया जा सकता है विशेषज्ञ को। पर ज्ञान लव दुर्विदग्ध को ऐसे नरम में भी द्वितीय है, ज्ञान लव दुर्विदग्धम में भी द्वितीय है, ब्रह्मापि में दीर्घ संधि है, और रंजयत में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की किया है, और आराध्यते आराध्यते आराध्यन्ते यहाँ आराध्यते भी लट लकार का है आत्मनेपदी प्रथम पुरुष का एक वचन। कर लेंगे इसको, हाँ अब आगे की चर्चा हम आपसे कल करेंगे। अब 12 बज गया है, आप जाइए घर में खाना पीना खाइए, कल फिर हम 10 बजे आपको मिलेंगे इसी जगह इसी समय। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे